तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आप लोग मेरे साथ वीडियो में एंड तक रहना, क्योंकि मैं आज आपको ऐसा एक तरीका बताऊंगा कि आप अपनी बॉडी तो बनाएंगे, जैसे मैंने और भी बहुत सारे प्रोडक्ट दे रखे हैं जिसमें मैंने बताया है आप अपने बॉडी को कैसे फुलाएंगे या आपको सेहत कैसे बनानी है। इन चीज़ों को तो मैंने बहुत चीज़ें बता रखी हैं, लेकिन आज मैं आपसे बात करूँगा कि आप अपनी अंदरूनी कमज़ोरी, जिसको कहते हैं इम्यूनिटी को मजबूत करना, वो आप कैसे मजबूत करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर आप वीडियो में आएँ तो ज़रूर सीख के जाना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लेना, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। आपके भाई का एक छोटा सा एम है 100 लाइक्स वाला, वो प्लीज़ कंप्लीट करा देना। तो चलिए आज का हेल्पफुल वीडियो जो है अपना स्टार्ट करते हैं। गाइस मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट बता रखे हैं ऑलरेडी, जैसे गुड हेल्थ बता रखा है, या सिप्रोप्टाडिन वगैरह टैबलेट्स आती हैं, सीरप्स आते हैं, जिसके आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो। मेरी वीडियो एक है उसको बहुत आप लोग प्यार दे रहे हो। वो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है अपनी बॉडी बनाने में, भूख बढ़ाने में, सारी चीज़ों में, क्योंकि जब भूख बढ़ेगी आप ज़्यादा खाना खाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी सेहत बनती चली जाएगी, आप मोटे होते चले जाएंगे, वेट आपका गेन होता चला जाएगा। लेकिन वही बात आती है, आप ये सोचते हो कि यार हमारी इम्यूनिटी अंदर से कमज़ोर हो रही है, हम अंदर से अपना कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं। क्योंकि लगभग हर आदमी जानता है कि देखिए बॉडी फूलना सब कुछ नहीं होती है। आप ये सोचो कि तगड़ा आदमी मतलब मोटा ताज़ा है तो वो कमज़ोरी नहीं है, कमज़ोरी अलग चीज़ होती है, कमज़ोरी इम्यूनिटी को बोला जाता है। अंदर से जो कमज़ोरी होती है उसकी बात करेंगे। जैसे होता क्या है, देखिए बैठ के चलने में कमज़ोरी, जैसे चक्कर सा आ जाता है, आँखों के सामने अंधेरा आ जाता है, इन चीज़ों की जब परेशानियाँ सामने आती हैं तो आपकी चाहे कितने ही आप मोटे हो वो आपको कोई फ़ायदा नहीं करेगी। वहीं मैं आज आपसे बात करूँगा, मेरा प्रोडक्ट जो है वो ये आप देख सकते हैं, बीटा मिक्स एल प्लस के नाम से है, ये आपके सामने आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। इसके बारे में सारी चीज़ें बताऊँगा मैं आज आपको कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके फार्मूला, इसके नुकसान, इसकी सारी चीज़ें बताऊँगा कब इस्तेमाल करना है इसको। तो इसके सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके अंदर फार्मूलाज की। तो देखिए इसके अंदर लाइकोपिन, मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल, ये सॉफ्ट जेल कैप्सूल होते हैं। इसकी मैं आपको पैकिंग दिखा देता हूँ साथ के साथ, इसकी पैकिंग जो होती है काफ़ी बेहतरीन होती है क्योंकि सॉफ्ट जेल होते हैं ये ऐसी इसकी पैकिंग रहती है। आप देख सकते हैं आपके सामने रेड कलर का कैप्सूल आता है, ये ऐसा होता है, ठीक है। वहीं मैं आपसे बात करूँगा देखिए इस्तेमाल करने की, मैं आपको इस्तेमाल करने का तरीका बताऊँ, सबसे बेस्ट यही माना जाता है कि आप इसको एक कैप्सूल खाने की डोज होती है। बात करूँ एज की, अगर आपकी एज 12 साल है तब आप इस कैप्सूल को इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको इस्तेमाल ना करें, 12 साल से ऊपर वाले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको एक कैप्सूल लेना होता है, दिन में किसी भी टाइम एक खाना होता है, 24 घंटे में एक कैप्सूल खाना होता है। तो सबसे बेस्ट यही माना जाता है कि आप शाम को ले लिया करें, और बेस्ट ये रहेगा कि अगर आप दूध से ले लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि एक तो दूध की पावर और एक कैप्सूल की पावर, ये जो होती है डबल पावर हो जाती है, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इसको अगर आप इम्यूनिटी को अपने स्ट्रांग करना चाहते हैं तो आप इसको इस्तेमाल ज़रूर करना। इसको DM फार्मा कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है, आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और मार्केट में भी आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप इससे रिलेटेड कोई भी आप ले सकते हैं, इसका फॉर्मूला देख के, ठीक है, ये ज़रूर देख लें कि फार्मूला यही होना चाहिए। अभी मैं आपसे बात कर लेता हूँ इसकी MRP की। तो ये 10 कैप्सूल का स्ट्रिप जो है वो 165 रुपये का मिलता है, इसको आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से ही परचेज कर सकते हैं। क्योंकि ये देखिए ये जो सॉफ्ट जेल कैप्सूल होते हैं जिसमें लाइकोपिन मिक्स होता है वो थोड़े कॉस्टली ही मिलते हैं, इसको आप टेंशन ना लें, आपको ये अल्टीमेट रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे अगर आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तब। साथ के साथ बात करूँ इसके साइड इफेक्ट की, तो इसके साइड इफेक्ट कोई नज़र नहीं आते, आपको सिर्फ डोज का हिसाब ध्यान रखना होता है कि 24 घंटे में आपको एक ही लेना होता है, अदरवाइज़ आप ज़्यादा नहीं लेंगे। इसके साइड इफेक्ट कुछ नहीं होते, सिर्फ इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के काम आता है ये। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने भाई का 100 लाइक्स वाला एम कंप्लीट कर देना, और अगर आपके माइंड में फ्री को क्वेश्चन रह गया हो जो मैं ना बता पाया हूँ तो आप कमेंट बॉक्स कमेंट कर दें, वहाँ पर उसका रिप्लाई दे दूँगा। चलिए कल फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने भाई को इजाज़त दें। ओके बाय।